बोलो जय महाकाल, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। भूल भग। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज आ गया वो दिन जब मेरे को जाना है, निकलना है यहाँ से। सुबह का नज़ारा देख लो, देखो धूप अभी हल्की हल्की आई है। मैं उठ गया था सुबह 6 बजे और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, हल्का फुल्का खाया मैंने। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ कि अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बस स्टैंड से लूँगा सोमनाथ की बस। तो भाई चलो, मेरा एक बैग पैक ही होता है और ज़्यादा मैं लेके नहीं घूमता। चलो भाई निकलते हैं। बाय बाय रूम। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम निकलते हैं भाई, सामने ही है बस स्टैंड पे जा रहा हूँ मैं, पैदल ही जा रहा हूँ। 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, राइट टर्न लेते सामने बस स्टैंड है भाई। वो लिखा हुआ सोमनाथ में आके बैठ गया बस स्टैंड पे, लिख रहा है ना नीचे से। तो चलो वेट करते हैं बस की, जैसी बस आएगी तो चलेंगे। अभी टाइम हुआ है 8 बज रहे हैं, तो 8:30 तक भी आएगी तो निकल जाएंगे, ठीक टाइम पर पहुँच जाएंगे सोमनाथ। खाली पड़ा हुआ यहाँ तो बस स्टैंड अभी। वही भाई है 9:30 बजे। चलो भाई चलते हैं, खाली बस आ जाएगी देखो। चलो भाई बैठ गया हूँ बस में, अब पता नहीं कब तक उतारेंगे मेरे को, 1:30-2 तो बज ही जाएंगे। यहाँ बैग रख दिया अपना। तो भाई वेट बहुत करवाई इसने, बहुत वेट करवाई। ऑलमोस्ट सारी भरी हुई है बस, इस बीच में काफ़ी बसें आके जा चुकी हैं। भाई अभी बस चेंज हुई है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। वो वाली बस थी हमारी, ये वाली, लेकिन अभी चेंज हुई है। तो चेंज होने के बाद देखो क्या होता है, और 1 घंटा और लेट हो चुकी है। मेरे को जल्दी पहुंचा देगी, 1 घंटा लेट है यहाँ से। पता नहीं कब चलेगी कब नहीं चलेगी। मैं कोशिश मेरी ये थी मैं जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा हूं यार। अब देखो इधर बैठा होता पहले मैं, ये छोटी बस थी, अब ये वाली बड़ी बस है। अब ये पूरी भरेगी फिर चलेगी। और लड़ाई भाई अलग हो रही है इनकी, नजायज की लड़ाइयाँ हो रही हैं अलग अलग। सोमनाथ अब यहाँ सारे बंदे उतर जाएंगे, ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, बस सोमनाथ वाले बंदे रह गए भाई। ये रही बस, और मैं निकला था पता कितने बजे देख लो अब टाइम अभी कितना हुआ, 9:30 बजे निकला था, 4:30 होने वाले हैं। पूरे 7 घंटे की बस थी, इतनी लंबी बस यार, हैरान हो गया मैं तो। हाँ जी भैया, मैं तो ये रहा मोड पे आगे। हाँ आपको? अरे मैं तो पैदल चला जाऊंगा, ब्लॉगिंग करता कोई अपना कार है। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ब्लॉग, अरे नहीं मैं कोई, वही मेरे को भी भाई आया था, मैंने कहा भाई ब्लॉगिंग करता चला जाऊंगा, थोड़ा दिखा भी दूंगा वो... फ्री में छोड़ देता। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, थैंक यू, इतना बोल दिया आपने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद भाई। बोल रहे कि फ्री में छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अंदर बंदे बोल रहे थे 100 रुपये यहीं तक जा रहे हैं, होटल अपना यहीं पे है। बंदा आया कह रहा 100 रुपये, मैं मेरे को तो पता था, मैं कहा पास में ही है, मैं बस से पहले उतर जाता लेकिन ध्यान नहीं रहा। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे ब्लॉगिंग चालू कर दी, भाई आया मेरे पास, भाई कह रहा भैया आपने देखा ही, फिर उसके बाद तो भाई लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया यार बस ने। पहले वहाँ पर रुकी बस, उसके बाद बस चेंज हुई, चेंज होने के बाद तो भाई ना ही होगी, बिल्कुल बुरा ही हाल हो गया चेंज होने के बाद। बस जब चेंज हुई ना, भीड़ भड़क्का, लड़ाई, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ लड़ाई क्यों हुई। मतलब 2 फैमिली थी और दोनों महाराष्ट्र थी, उनमें से एक लेडीज़ वहीं पे बस में थी और बाकी सारे खाने के लिए चले गए थे। और जैसे वो गए उसके बाद उन्होंने बोल दिया बस ख़राब है चेंज करेंगे हम, तो वो साथ में बस थी उन्होंने चेंज कर दी। तो भाई आते ही पता ही आपको, जैसे आते ही बवाल कि यार ऐसे कैसे आपने चेंज कर दी बिना बताए हमें। अब वो तो थे ही नहीं, वो तो खाने के लिए निकले हुए थे। तो वो कह रहे, फिर आंटी ने तो बोला, कह रहे अगर हमारा सामान नहीं मिलता ना मैं तो पुलिस स्टेशन ले जाती बस को, ये वो। भाई
पूरे रास्ते बवाल होता आया। लेकिन चलो छोड़ो, ये तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी घुमाए हैं। चलो एट दी एंड क्या निकलता है, कॉम्प्रो होती है। तो उसके बाद सारी बातें एक तरफ, लेकिन यार जो रास्ता अपना पोरबंदर से लेके माधोपुर तक का है ना, बहुत ही सीधा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, आधे पौने घंटे का रास्ता है वो। लेकिन आपको उसमें बीचेस देखने को मिलेंगे, आपको उसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैं बीच में वीडियोस भी लगा रहा हूँ, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी सीनरीज आ रही हैं। और मतलब बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू आया था आधे पौने घंटे के लिए, बस इसने ना बढ़िया दिखा दिया। लेकिन जो भाई 7 घंटे का सफ़र था ना, तोड़ दिया उसने तो, बुरा हाल कर दिया। सुबह से निकला हूँ, कुछ खाया पिया भी नहीं था मैंने। सुबह ही खाई थी इडली वगैरह ही खाया था मैंने, और ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। और बस अब चलते हैं होटल में, यहीं पे ही होटल पास में ही, वहीं पे चल के स्टे करते हैं। चलो भाई अब बोल सकता हूँ मैं कि सोमनाथ में आपका स्वागत है। तो भाई पहुँच गए हम अपने ज्योतिर्लिंग करने के लिए। 4th ज्योतिर्लिंग है ये मेरा। वैसे तो सोमनाथ 1st ज्योतिर्लिंग है, लेकिन मैं अभी तक 3 कर चुका हूँ, 4th है ये। तो बने रहना मेरे साथ। जो जो यार नया जुड़ता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा, बढ़िया होता है। और बस यहीं पे है मेरे ख्याल से, इधर ही है होटल। भाई बालों का भी नाश बच गया बस में तो, अकड़े बड़े हैं अब तो। बस बस स्टैंड से 1.5-2 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी 1 किलोमीटर तो कवर हो गया पीछे से। इधर से हमने उधर को जाना है। मुझे ना यहाँ पे उतरना चाहिए था, बस अंदर गई है ना, यहाँ उतरना चाहिए था मुझे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। मतलब चलते हैं सीधा। भाई ये रोड थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि सिंगल लेन में ही दोनों आ रहे हैं। अपने को एक क्रॉस करना है। आप लोग देखते रहना पीछे, कोई आ तो नहीं रहा। ओए ओए पुल भी तो बहुत लंबा है, थोड़ा स्पीड में क्रॉस करना पड़ेगा। छकरा हर जगह चलता है भाई। मैंने कहा चलो केले ले लिए जाए, केले अपनी पूर्ण खाना हो जाता है अपना। मैं ये बोल रहा था भैया को, मैं भैया कहीं दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, कहीं मिलता है किलो के हिसाब से, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। चलो सही है यार, केले ले लेते हैं। यार भाई बढ़िया डालो ना यार, ये निकालो, ये कौन से डाले हैं आपने? ये भाई बढ़िया है बाबा। भाई ये देखो ना यार, इसको निकाल दो, अच्छे वाले डाल दो, अच्छे वाले डाल दो आप, ऊपर से निकाल के डाल दो मेरे को। ही आपने ये तो बढ़िया दे दो। हाँ। ये ठीक है ना भाई, बढ़िया डाल दो केले। भाई यहाँ से सोमनाथ मंदिर भी नजदीक है। ठीक है भैया धन्यवाद। हैं नहीं नहीं भाई, मैं कर रहा हूँ। चलो भाई पहुँच गए, यहाँ से टेंपल भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट से जाना पड़ेगा। भाई होटल में आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से अपना कितनी दूर है टेंपल? 2 किलोमीटर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल चला जा सकता है बंदा। हाँ वैसे आपका ऑटो लेने का मन है, ऑटो ले सकते हैं। मैं अभी बस स्टैंड से पैदल आया हूँ। पैदल आ रहे हो? हाँ। तो हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो, बस स्टैंड है ना। हाँ। उसके पीछे ही सोमनाथ है बस। बताओ यार, बस स्टैंड के पीछे ही सोमनाथ है। बता यार, अभी पहले तो मैं नहाऊंगा यार। ये रूम है, ये अपने काम का नहीं है, लगा होता फिर भी। ये सर ऐसा रूम है, और ये बाहर का है। ठीक है सही है। यहाँ से 2 किलोमीटर पे अपना ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है 2 किलोमीटर पे ही। तो ठीक है चलेंगे, अभी नहा धो के निकलते हैं। ठीक है रेस्ट नहीं करनी है, बस में मैं सो लिया था जितना सोना था। तो भाई पहुंच गए हैं सोमनाथ, और मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी। तो अभी निकलते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ठीक है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। वैसे आप लोगों को नॉलेज होगी इस चीज़ की कि जहाँ जहाँ पे भोले शंकर ने अवतार लिए हैं, अपने भोले शंकर साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये वाला जो है, ये वाला सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। आज मैं आपको ना इसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो भाई अभी हल्की हल्की धूप है और टाइम हो रखा है 6:15। आपको 5 मिनट में स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं। मैं पैदल ही निकल जाऊँगा यहाँ से, जहाँ पे बस स्टैंड है उसके पीछे ही। अगर ऑटो मिल गया तो ऑटो में चल पड़ेंगे। ठीक है, और ये वाला मेरे को टाइम बढ़िया लग रहा है दर्शन करने का। तो भाई स्टोरी कुछ ऐसे है, भगवान शिव ने ना इस धरती के 12 जगहों पर अपने भक्तों को दर्शन दिए, जिनको हम 12 ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। और ये सारी 12 जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती है। शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है, जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्टोरी कुछ ऐसे है, प्रजापति दक्ष हुए थे, उन्होंने अपनी 27 कन्याओं की शादी की थी,
चंद्रमा से। जब चंद्रमा का 27 कन्याओं से विवाह हुआ, उनकी शादी हुई, तो जो 27 कन्याएं थी वो बहुत खुश थी चंद्रमा को अपने वर स्वरूप में पाके, और चंद्रमा भी उनको पाके बहुत खुश थे। और उन 27 कन्याओं में एक रोहिणी नाम की उनकी पत्नी थी जिनको वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो बाकी सारी पत्नियां उनसे उस चीज़ से बहुत निराश रहने लगी, तंग रहने लगी। तो उसके बाद जाके उन्होंने अपने पिताजी को बताया। तो जब दक्ष जी ने ये बात सुनी तो उनको भी बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, उनको 27 कन्याओं के बराबर का प्यार देना चाहिए। तो वो बात मान के अपनी बेटियों की चंद्रमा के पास आए। तो उन्होंने चंद्रमा से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करो, सबको बराबर का प्यार किया करो, बराबर का दर्जा दो, ऐसे ना हो किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो उसके बाद वो कह के समझा के अच्छी तरह से वापस आ गए थे। दक्ष को ऐसा लगा कि अब चंद्रमा समझ जाएंगे, अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे। लेकिन हुआ इसके ऑपोजिट, चंद्रमा फिर उसी वाइफ से अपनी से ज़्यादा प्रेम करने लगे और दोबारा उनकी बेटियाँ उनके पास गए। उसके बाद उनको गुस्सा आ गया, वो कह रहे मतलब ये तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे अंदर से, बेटियों का बाप था दुखी हो गया। फिर दोबारा उनके पास आया, वो बोले कि मैं चंद्रमा के पास आया, और चंद्रमा को बोले कि मैं पहले भी तुम्हारे पास आके कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मतलब गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा आग बबूला थे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ क्षय रोग हो जाए। और इतना कहते ही मतलब पल भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। और उनको क्षय रोग होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, और इंद्र और सभी देवी देवता ये सभी चीज़ों को देख के, ये प्रलय हो गया ये तो क्या हो गया, ये सभी चीज़ों को देख के ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बतलाई कि जो भी हुआ था उन्हें क्षय रोग कैसे हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, जो देवता उनके पास गए थे और ऋषि भी साथ में गए थे, तो उन्होंने बोला कि देखो जो हो गया सो हो गया, इसको पलट नहीं सकते, अब तो श्राप मिल चुका है, अब इसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक उपाय है। बोला कि एक उपाय बताता हूँ, आप जाके चंद्रमा को बोल दो कि आप प्रभास नामक एक क्षेत्र में जाएं और वहाँ जाकर महामृत्युंजय का जाप करें शिवलिंग के सामने बैठकर, और शिव की आराधना करें, अपने सामने शिवलिंग की आराधना करके वहाँ पे नित्य तपस्या करें, शिवलिंग के शिव जी की नित्य तपस्या करें, और इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें क्षय रहित कर देंगे, उनकी बीमारी को दूर कर देंगे अगर इन्होंने ये सारा कुछ किया। और ऋषियों के कहने से चंद्रमा ने वहाँ पर 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। और फिर एक दिन क्या हुआ, भक्त वत्सल हमारे शिवजी भोले भंडारी बिल्कुल सामने प्रकट हो गए उनके। भोले बाबा ने बोला कि हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो वर मांगो। तो भगवान शिव के मुख से, भोले भंडारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने बोला कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे क्षय रहित कर दीजिए, जो आप मेरे शरीर पर देख रहे हो ये रोग हो रखे इसको मुक्त कर दीजिए। और उन्होंने बोला कि मुझसे जो भी अपराध हुआ है, मैंने जो भी पाप किए हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। और शिव जी ने उनको फिर वरदान दिया कि जितना आपका जो भी आपने पाप किया है या कुछ भी आपको श्राप लगा है, ये सारा आप मुक्त हो जाओ, आप क्षय रहित हो जाओ, मतलब आपका जितना भी रोग लगा है आपका सारा दूर हो जाए, और आपकी जो तेज है दिन पर दिन बढ़ता रहे। और उसके बाद चंद्रमा ने शिव जी की और स्तुति की वहाँ पर बैठ के। तो फिर भगवान शिव वहाँ पे निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए, यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, लिंग के रूप में प्रकट हो सोमेश्वर कहलाए, वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में जाना जाता है, ये पहला ज्योतिर्लिंग है। तो भाई आज की यही स्टोरी थी। तो 5-10 मिनट हो गया कंप्लीट, हम भी निकलते हैं अब दर्शन करने के लिए, आप भी मेरे साथ चलो, ठीक है, चलते हैं अभी होटल से निकलते हैं। कुछ खाया नहीं है मैंने, सिर्फ बनाना ही खाया है अभी, निकल चलो भाई चलते हैं अब, निकल चुका हूँ मैं लिफ्ट से नहीं आया यार, लिफ्ट में ऑलरेडी फैमिली आ रही थी एक, और मैं यहाँ से निकल गया डायरेक्ट, और मैं निकल गया हूँ, ये अपना होटल है, यहाँ से निकल रहा हूँ मैं सीधा, कोई ऑटो मिल गया तो बेस्ट है वरना पैदल ही चलेंगे। देखो 6:30 होने वाले हैं, हो चुके हैं और धूप है अभी। चलो भाई ऑटो ले लिया हमने, नाके तक, नाके से पैदल निकल जाएंगे। और यहाँ पे सीन देखो, अब कितने बड़े बड़े होते हैं भाई। मुझे ऑटो ने यहाँ पे छोड़ दिया था, ये जा रहा है अपना ऑटो मात्र 10 रुपये में, और यहाँ से हम चले जाएंगे पैदल। सोमनाथ टेम्पल इस साइड है, वो देखो बस 1/2 किलोमीटर है यहाँ से। और आपको तो खैर मैंने बताया दिखाया नहीं, वो ऑटो वाला बंदा मेरे से बस स्टैंड से 100 रुपये मांग रहा था कि 100 रुपये, और मैं बस स्टैंड से भी कितनी आगे निकल के आ गया 10 रुपये में। बोलो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय हो। चलो बस 1/2 किलोमीटर दूरी है, पहुंच जाएंगे 15 मिनट में, जल्दी पहुंच जाएंगे। जय गो माता।
हाँ भाई गाय माता है, मेरे ख्याल से गौशाला होगी, रोड पे बैठी हुई है कितनी सारी। सोमनाथ टेम्पल, भाई सोमनाथ टेम्पल का ये ट्रस्ट हाउस है और यहाँ पे भी ऐसे घर बने हुए हैं, इतनी भीड़ है ना यहाँ पे आज। भाई पहुँच गए हम टेम्पल में, अब एक नया मंदिर है एक पुराना मंदिर है, अपने को पता नहीं है। हाँ इधर से ही है, अब लगा दो मेरे यार, ये गुड़िया मेरे को यहाँ तक छोड़ने आई थी, अच्छी तरह लगा देना पूरा पूरा भर दो बढ़िया से, पूरा माथा कवर करना चाहिए ठीक है, बढ़िया से लगा दो पूरा माथा कवर। चल रही है ना वीडियो? हाँ नहीं नहीं बस ठीक है हो रहा है। अरे कह रही मैं बना दो ठीक है, अच्छे से बना दो पूरा। ले भाई बढ़िया से, जय महाकाल ठीक है, बढ़िया हो गया। सड़ जा, हो गया और भी लगाना है कुछ, हो गया ठीक हो गया भाई। ये रहा पहले ज्योतिर्लिंग पे आके मैंने लगवाया है, ये जय महाकाल। आ जाओ इधर आ जाओ, अच्छा यहाँ से जाना है वो पुराना मंदिर है, नया मंदिर इधर। अच्छा यहाँ मना नहीं करते, यहाँ तो स्वयंभू है ना, मतलब खुद फोन लेके जा सकते हैं, बाकी नीचे जाके पता लगेगा। यहीं से जाना ना रास्ता, यही है भाई रास्ता तो यही है, पूछ पूछ के आ रहा हूँ मैं। जय महाकाल, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, वहाँ मेरे तिलक लगा महाकाल का। वो एक्चुअली गुड़िया मेरे को यहाँ तक छोड़ने आई थी, मुझे रास्ता नहीं पता लग रहा था, तो वो गुड़िया यहाँ तक छोड़ने आई, मैंने कहा चल तेरे से तिलक लगवा लूँगा, छोड़ा तो मेरे को, वो छोड़ने आ गई थी यहाँ तक। चलो भाई ये है ज्योतिर्लिंग, देखो दो टेम्पल हैं यहाँ पे, एक बाहर वाला है जो मेन ज्योतिर्लिंग है, और ये भी ज्योतिर्लिंग है, ये भी स्वयंभू प्रकट हुआ था, महारानी अहिल्या ने करवाया था जो भी किया था ये वाला यहाँ पे। अब पहले यहाँ पे आ गए तो यहीं के दर्शन कर लेते हैं। फोटो मतलब उनकी लो, सिर्फ अपनी मतलब जय बजरंगबली। ओह मेरे यहाँ पे भाई चोट लग गई थी पट्टी वाप में। जो भाई ये वाला टेंपल है ना शिव जी का, इसके पीछे ही है दूसरा मेन ज्योतिर्लिंग है, जो ये वाला टेंपल है ना ये अहिल्या देवी ने बनवाया था, इन्होंने बनवाया था, पढ़ लेना ठीक है, इन्होंने बनवाया था। यहाँ पे दर्शन कर लिए पहले, क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन किए ना वहाँ पे फ़ोन अलाउड था, तो मैंने वीडियो वगैरह बना के आपको दिखा दी, तो अब चलते दूसरे वाले में, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। मैं वहाँ से भाई आया हूँ अभी बैक साइड पे, पहुँच गया हूँ अभी ज्योतिर्लिंग के पास, वो रहा देखो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, दर्शन कर लो दूर से। अभी मैं बिल्कुल पास लेके जाता हूँ आपको, यहाँ से जाऊँगा दूसरे रास्ते से, पीछे पीछे से लेंगे। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है भाई, भाई साहब ये तो बहुत है। चलो भाई अब चलते हैं अंदर से, निकल निकल के पीछे पहुंच जाएंगे। भाई इतनी भीड़ है ना आज, इतनी भीड़ है ना अंदर, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आऊँगा सुबह सुबह दर्शन करने के लिए, सुबह सुबह दर्शन बहुत बढ़िया हो जाएंगे, सुबह सुबह आऊँगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए। वैसे आपने दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कर लिए, यहाँ पे कैमरा वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता कि मैंने किए नहीं किए, मैंने अभी दर्शन नहीं किए, कल आऊँगा सुबह दर्शन करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। बट अभी मैं आपको पास में लेके जाता हूँ पीछे से, यहाँ पे मार्केट मुर्केट है, आ गया मैं पीछे से निकल के। अब एक टिकट काट दो मेरा, ये इधर रखो भाई, फ़ोन ना गिर जाए बस, मेरा 5 रुपये महंगे पड़ जाएंगे। ये लो सर, ये चेकिंग भी करेंगे कोई, ये चेक करेगा कोई अभी? अच्छा फिर दिखाना पड़ेगा ना भाई, 5 रुपये लगता है पीछे जाने का। बीच का टाइम क्या है भैया? सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक। अच्छा अभी तो पूरा हो गया, तो अभी बीच में नहीं जा सकता मैं ना?
वैसे घूम सकता हूँ थोड़ा, पता नहीं भाई मेरे को मतलब नहीं पता बीच का होता क्या है, घूम सकते घूम लेंगे भैया, धन्यवाद भैया। चलो भाई, ओहो मेरा पर्स भाई टिकता नहीं है यार ये। सर टिकट ये दोगे आप मेरे को? अच्छा थैंक यू। 7 बजे तक का होता है एक्चुअली, 7:15 हो गया ना। पुरुष महिला निकलेंगे एक जगह पे, यहाँ पे भाई मुझे पता नहीं बीच का मतलब होता क्या है। रेत में नहीं घूम सकते, रोड पे घूम सकते हो, कोई बात नहीं घूमते हैं। 5 रुपये की पर्ची कटाई है तो वसूल करेंगे, 5 रुपये घूम घूम के टांगे तोड़वाएंगे अपनी। भाई जिप्सी खड़ी है वहाँ पे, जाने नहीं देते। वो देखो पुलिस वालों को जिप्सी दिख रही है आपको, वो खड़ी है उधर नहीं जाने देते, क्योंकि बाई चांस कोई ज़्यादा ही हवा वहा जो उधर अंदर चला जाए दिखेगा तो है नहीं, खोपड़ी भी नहीं दिखेगी अंदर जाते ही बंदे की। बैठे होंगे मेरे लोग यहाँ पे लेकिन भगा दिए। अच्छा उन्होंने बोला था कि इस ट्रैक पे घूम सकते हो जिसमें मैं घूम रहा हूँ, वहाँ नहीं जा सकते, तो ठीक है यहाँ पे घूम लेते हैं। ये आपको मंदिर के पीछे तक ले जाएगा, सही है मेरे को मंदिर के पीछे तक ही जाना था। अब ये नहीं पता है सारे सारे ब्लॉक ना हो ऐसे, ऐसे ही ना बना रखा हो कि हम मंदिर के बिल्कुल पीछे ही हो जाए, दिखे ही ना मंदिर। घोड़े पे भी चल रहे हैं लोग यहाँ पे, और हवा बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है हवा यहाँ पे। देखो इस टाइम का व्यू ना अपना है, अलग है, और दिन का व्यू होगा भाई धूप चुभने वाली, अलग ही लेवल होगा धूप का। टेंपल तो भाई चमक रहा है पूरा, यहाँ से देखो दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप जितने लोग देख रहे हो ना आगे पीछे जितने भी भाई, सब 5 रुपये दे के आए हैं अंदर तक, और सारे सोच रहे हैं वेस्ट नहीं जाने चाहिए, जहाँ तक जाती है रोड जाके आएंगे, 5 रुपये बर्बाद नहीं होने चाहिए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हाँ आ रही होगी आवाज़ तो क्लियर, क्योंकि माइक लगा रखा है ऊपर से, इसका मेकअप करने वाला सामान भी ऊपर लगा रखा है, तो बढ़िया आवाज़ अच्छी आ रही होगी आपको। हवा लेकिन बहुत तेज़ है, आपको मेरे बालों से आइडिया हो गया होगा, देखो उड़ रहे हैं ना बाल पीछे पीछे को, हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। और आपको आज मैंने स्टोरी बता दी थी सोमनाथ टेम्पल की, मतलब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, यहाँ पे हम कल करेंगे दर्शन। बताओ यार शाम हो गई, उन्होंने ये लाइटर तो जलाई नहीं, ये तो जलाई नहीं। बताओ 5 रुपये दें भाई, जला दो लाइटर तो जला दो। ओ भाई बोल, ओ भाई ओ क्या कोइंसिडेंस था भाई, थैंक यू थैंक यू। ये सुन रहे हैं भाई अब तो, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बात नहीं बोल देनी, मतलब सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, माइक में लगे हुए हैं, अभी जला दी। क्या बात है भाई, अभी बोला ही था साथ ही साथ जला दी। चलो ठीक है वसूल है भाई, वसूल है भाई, 5 रुपये वसूल है, पूरे वसूल है। ये लो भाई इतनी नज़दीक तो हम पहुंच गए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, देखो ध्वज के दर्शन करो ध्वज के। भाई अभी अभी मैं बस बिल्कुल ज्योतिर्लिंग के साइड में खड़ा हूँ, टेंपल के बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा मैं और बैठ के जाऊँगा। मेरे ख्याल से दिन में ना बाहर बैठने देते होंगे लोगों को यहाँ पे, अभी नहीं बैठते। और भाई दिन में तो यार पकौड़ा बन जाएगा मेरा अगर धूप में आऊँगा ना मैं, तो शाम के टाइम में आऊँगा या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, तब जाके बेस्ट थोड़ा व्यू मिलेगा, और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। पता नहीं जाते होंगे लोग, नहीं जाते होंगे, बट यार बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। बोलो जय महाकाल, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, बोल बम। यहाँ पे तो भाई मैं घंटों बिता सकता हूँ टेंपल के बिल्कुल पीछे, देखो बहुत बढ़िया यार। आगे लोग जा रहे, मेरे को दिख नहीं रहे आगे, लेकिन हम तो जाएंगे भाई। लो भाई हम एंड पॉइंट तक आ गए हैं, पीछे कोई नहीं है, बस बहुत दूर दूर तक हैं लोग, मैं आ गया यहाँ तक। मैंने कहा जब आए हैं तो भाई वसूलने चाहिए ना 5 रुपये, तो यहाँ तक आ गए। कल देखो कल जाते हैं बीच के अंदर वहाँ तक। आवाज़ आ रही है आपको समुद्र की? कैसे आ रही है भाई, लहरें इसकी थोड़ी सी ऊंची हो गई हैं तभी आवाज़ इतनी आ रही है। देखो यहाँ पे लाइट सही है ना, आगे फ़ायदा हो गया यहाँ तक। ये वाली लाइटें, ये वाली जो लाइट है ना, ये मुश्किल से दो ही लगी हुई हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो सही बन जाती है। और हवा उस साइड की है तो बाल मेरे उधर को उड़ रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे बनाऊँगा ना, देखो इधर को आएंगे बाल, तो इसलिए मैं आगे आगे तक। देखो किनारा आ गया पूरा। चलो भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे पुलिस वालों की जिप्सी भी आ गए राउंड मारने के लिए कि कोई है तो नहीं यहाँ पे।
और मैं अकेला ही घूम रहा था यहाँ पे। बोला नहीं उन्होंने कुछ अभी मेरे को, लेकिन बोल देंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे। लेकिन यार बहुत बढ़िया लग रहा है, कल बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मंदिर देखा, बोलेंगे तो नहीं कुछ। बोला नहीं भाई कुछ, कल ही घूम रहा तू। अब इनको पता ही है भाई, आए हैं तो 5 रुपए दिए हैं, दिखा दूंगा पर्ची भाई, देखे आए हैं। मेरे कहने से तो इन्होंने लाइटें जलाई थी। हाँ यहाँ तो घूम ही सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे। चलो भाई एक बार और मंदिर के पीछे जाके आपको भी दिखा दूंगा, उसके बाद निकलते हैं आगे। है आगे भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, मैंने बोला था ना बाल ऐसे तो घूमेंगे। वाह यार यहाँ पे ना भाई बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं, बस बने रहना इस सीरीज़ में मेरे साथ। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। थोपड़ा दिख रहा है मेरा, ना भी दिख रहा है फिर भी कर देना। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली, दिखाऊंगा मैं। हेलो लाइट आ गई ना, जय महाकाल। चलो अब हम निकलते हैं यहाँ से, पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने, 2 किलोमीटर का राउंड था, डन हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से, मार्केट आ गया, मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। देखो भाई एंट्री यहाँ से थी, अब एग्जिट यहाँ से है। मेरे को पता तो मैं एग्जिट से निकल के आ जाता। और देखो भाई बाहर ही मार्केट लगी हुई है सारी, यहाँ पे गौ माता बैठी हुई है, यहाँ पे सारी मार्केट लगी हुई है। मैं वहाँ से आया हूँ और कल अपा चलेंगे सारी जगह दर्शन करने के लिए। मैंने भी पता किया है, यहाँ से बस चलती है एक, यहाँ से 8 बजे और 12 बजे, बाकी का टाइम मुझे पता नहीं है और ना मैंने पता किया। मुझे पता है मैं 8 बजे जाऊँगा या 12 बजे जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बस में चल के सारे दर्शन करके आएंगे कल, और कल ही मैं अंदर जाके भी दर्शन करके आऊँगा भाई। अभी अभी मेरे को ना एक पुलिस वाले सर मिले, उनसे बात हुई मेरी। चलो भाई पहले तो भाई बात हुई मेरी, उन्होंने सब्सक्राइब किया भी चैनल को, उन्होंने जाते हुए पकड़ लिया, पीछे से बुला लिया। मैंने कहा सर आपको भी ले लूँ मैं ब्लॉग में, कह रहे नहीं नहीं तू अपना ब्लॉगिंग कर, तू सब्सक्राइब कर दे। मैंने कहा सर मैं ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, कह रहे अच्छा ठीक है। तो बस आगे आया था, उन्होंने बताया, कह रहे यहाँ पे एक और होटल है तू पूछ ले। मैं सोच रहा हूँ कि और जितना नज़दीक आ जाए उतना बेटर है। तो यहाँ भाई खड़े थे, भाई कह रहे कि होटल बढ़िया मिल जाएगा मंदिर के साथ। मैंने कहा चलो चलते हैं फिर, भाई के साथ जा रहा हूँ मैं अभी, होटल दिखा दो होटल, अगर जितना पास मिल गया तो भाई बढ़िया हो जाएगा ना भाई। रूम वगैरह तो अपने को दिखे, होटल वगैरह सारे सारे बुक पड़े थे, और जो उसने और दिखाए वो भाई बस खतरनाक ही थे। तो मैंने कहा जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वही सही है, अभी गिर जाता मैं। और मैंने आइसक्रीम लिया, अभी कुल्फी खा रहा हूँ यहाँ पे। और इस बहाने यहाँ से मैंने भैया से पूछा, भैया यहाँ तक जाना है कोई ऑटो जाएगा भैया? अगर नहीं भाई यहाँ से कोई नहीं, स्पेशल जाना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर गया तो भैया अगर पैदल ही चला जाए, और मैं पैदल जाने की सोच ही रहा था, पैदल ही निकल जाता हूँ यहाँ से। भाई ये वाली कुल्फी ली थी, थोड़ी मेल्ट निकली, भैया ने वापस ले ली। भैया अगर कोई बात नहीं मैं दूसरी दे देता हूँ। मैंने कहा थैंक यू भैया। अच्छा वो उधर थोड़ा हल्का होगा ना, न्यू पैकेट निकला बिल्कुल फ्रेश। चलो भाई चलते हैं, ठीक है भैया थैंक यू। गाइड कर दिया भैया ने, आइसक्रीम खाएंगे अपन। द्वारका भाई 232 और जेतपुर 122, भावनगर 264। भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपना होटल, आ गया अभी भाई, ऑटो मिल गया था बस, ऑटो पे जा रहा हूँ अभी मैं। लेकिन अंकल ने वहाँ तक नहीं जाना यार तक, मुझे मैं पहले ही छोड़ दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं वहाँ से तो मैं पैदल निकल जाऊँगा। चलो भाई, भाई तेरे को भी अभी आना था भाई, दौड़ के क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को तो, अभी ये लग रहा है। यहाँ पे खड़े जाओ भाई, करो भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा। हो जा हो जा भाई, ध्यान से हो जा भाई। इनका पता नहीं लगता, ठोक ठुक के चले जाते हैं, और मैं खड़ा भी ऐसी रोड पे हूँ। चलो भाई पहुँच गया होटल, अब जाके सोना नहीं है, एडिट करना है वीडियो। पूरे 9 बजे हैं, 9 बजे पहुँच गए होटल, वो भी ऑटो लेने के बाद। अगर ऑटो नहीं लेता तो 9:15 भी हो सकते थे भाई। व्लॉग को समाप्त यहीं पे करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना। अब मुझे इससे बेस्ट रूम नहीं मिल रहा कहीं भी, तो मैं यहीं पे रुका हूँ। और दूसरी बात है यहाँ का नेट भी बहुत अच्छा है, तो ठीक है आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आपको जो तरीके मैं घुमाता रहूँगा, और अच्छी से अच्छी चीज़ें भी घुमाता रहूँगा, जो जो सेंटर में बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएंगी ना वो भी आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, मेरे साथ साहिब के साथ, ठीक है। और कल चलेंगे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। आज आपको मैंने पूरी स्टोरी बता दी है, ध्यान रखना उस स्टोरी को, फिर दर्शन करने के लिए बाय बाय।